नमस्कार सर। नमस्कार धर्म बाबू। दोस्तों, देसी भारत वाले दर्शकों, इस समय हमारे साथ में भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार अभिनेता मिस्टर अवधेश मिश्रा सर लाइन पर हैं और आज बहुत ही दुख की घड़ी है। सर, आपको खबर पता ही चल गई होगी सर। हाँ, मैं भी राइटिंग पे अपनी टीम के साथ बैठा हूँ। अभी मैं एक झटके से ही हुई सोशल साइट देखा तो मैं आप ही का देखा, वो धर्म दुबे और बाकी, फिर देखा तो लगातार लंबी फहरिस्त के लोग, बहुत लोगों ने पोस्ट करा था। सर, ये बहुत क्योंकि शॉकिंग, मैं उसको समझ में नहीं आ रही है कि ये क्या हुआ। सर आपको कॉल लगाने का मेरा मकसद इसलिए भी है क्योंकि मैंने हाल ही में देखा है कि आपने काफी काम करा सर आकांक्षा के साथ में। सर मैं अभी क्या बताऊं, इसको कोई खबर की तरह नहीं पेश कर सकते हैं, लेकिन लेकिन सर मैं बस आपसे ये जानना चाहता हूं कि सर इस तरह से आत्महत्या सुसाइड कोई रास्ता है क्या सर? और क्या कहेंगे भगवान, एक्चुअली सर उनकी आत्मा को शांति दे, क्या कहेंगे सर? पहले तो आप ही कहें सर, फिर उसके बाद मैं पत्रकार हो चुकी, फिर मैं अभी सवाल तो मैं पूछूंगा खुद सर। ही मैं ब्लैंक हूँ। मुझे लगता है कि किसी की हत्या करने से ज्यादा गुनाह है खुद किसी का आत्महत्या करना। और ये आकांक्षा तुम बड़ी बोल्ड लड़की थी, वो मैं जितना उसको जानता हूँ, कई सालों से उसके साथ मेरी जंग फिल्म से हमारी पहले मुलाकात हुई थी, और वो बहुत स्ट्रॉन्ग लड़की थी वो। अब क्या हुआ कैसे हुआ ये तो ईश्वर जाने, लेकिन अभी चंद दिन पहले भी हम लोग लखनऊ में शूट कर रहे थे तो मतलब बहुत कॉन्फिडेंट लड़की जिसको कह सकते हैं, पहले इतना कॉन्फिडेंस शायद नहीं होगा उसमें, लेकिन अब तो हाईली कॉन्फिडेंट लड़की थी, काम से काम, काम से मतलब, और उसके बाद एक हैप्पीली बिहेवियर सबके साथ। मैं तो रियली मैं थोड़ा सा शॉक हूँ कि मुझे समझ में नहीं आ रहा ये मसला क्या हो गया अचानक। और ये आत्महत्या, मैं तो बोलूंगा जाने वाले चले गए, दुख है इस बात का, उसके प्रति संवेदनाएं बहुत है, लेकिन एक कहीं ना कहीं से मुझे इस बिहेवियर वाले जो भी सोच वाले जो भी लोग हैं, हमारे जान पहचान के हो या हमसे अनजान हो, सुसाइड इससे बड़ा कुछ क्राइम नहीं है। एक साथ एक जिंदगी नहीं जाती, एक साथ कई जिंदगी चली जाती है सुसाइड करने में। तो मैं संवेदनशीलता के साथ यही कहूंगा, बहुत दुख है आकांक्षा को लेकर के, लेकिन कहीं ना कहीं से इस बात को लेकर के मैं है चिंतित हूँ कि ये क्यों हो रहा है। और मैं आए दिनों, मुझे लग रहा है भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सी घटनाएं हो रही है सर इस तरह की, बहुत सी घटना है, एक कई कई साल से ये कई लड़कियां इस तरह से सुसाइड करी। सर वजह क्या ये लगता नौबत है क्यों सर आती आपको? है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन ये आना ही नहीं चाहिए, आने ही नहीं देना चाहिए। ये तो ये इसको बुजदिली भी नहीं कह सकते, लेकिन क्योंकि सर मैं सुसाइड एक करने के लिए बात, बहुत ताकत की सर आवश्यकता एक पड़ती सवाल है। सर एक सवाल सर आकांक्षा दुबे आज की तारीख में एल्बम क्वीन कही जा रही हैं, दुनिया भर के फिल्में बहुत काम कर रही उनके थी वो। सामने लगे पड़े हुए हैं, दुनिया भर की फिल्में हाँ भी अब एक्टिंग भी कर रही हैं डांस के अलावा। सर क्या लगता है आपको कि मतलब, और ना वो शादी शादी भी उनकी नहीं हुई है सर, क्या लगता है क्या वजह रही होगी सर इस तरह से अचानक पता से? नहीं, पर्सनल लाइफ के बारे में तो बहुत जानता नहीं हूँ मैं कि उसके पर्सनल लाइफ क्या आते हैं। हम तो एक कलाकार के नाते हमारी जो जो भी मुलाकात हुई है, अभी मुझे लगता है लास्ट टाइम हम लोगों ने लखनऊ में शूट किया था ब्रह्मा प्रोडक्शन की फिल्म थी, जी फिल्म कोई तो फिल्म थी हमारी, यश यश कुमार जी थे उसमें हीरो, जी वहीं मिला था मैं उनसे, और सर तो बहुत क्या खुश था किस मैं कि तरह इतना की किस इतना तरह हैप्पीली और का इतना कॉन्फिडेंट लड़की है वो। सर कोई अगर एक किस्सा अगर आप कुछ बताना चाहें उनके साथ बातचीत का, जिससे हमारे दर्शकों को और हमारी बाकी भी जो एक्ट्रेस हेस्ट्रेस हैं, जो अभिनेता हैं अभिनेत्री हैं, कोई एक ऐसी बात बताना आप चाहें कि सर उसके साथ में क्या, उनके साथ में क्या आपकी बात हुई थी जिससे आपको लगा कि ये वेरी कॉन्फिडेंस है? नहीं, मुझे बहुत उसके साथ ऐसे तो नहीं है मेरी कोई बातें मेमोरी में, लेकिन लास्ट टाइम जब मिला था तो किसी कोई आई थिंक कोई प्रोड्यूसर डायरेक्टर था जो जी शायद उसके उसके बारे में कहीं कुछ बोला था, जी तो उसकी तो उन्होंने हिला दी थी आकांक्षा ने। अरे राम,
हाँ उसको उसको केवल बोले वही बोल रही थी कि किसी में काम से मतलब है, दुनिया की ऐसी की तैसी, मुझे काम में अपना काम कर रही हूँ, मुझे कोई डिस्टर्ब भी ना करे। और वो अच्छा लगा था कि मतलब ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि लोग जब काम पे काम को प्रेम करने लगे तो दुनिया से उसका बहुत ज्यादा वास्ता रह नहीं जाता है, वास्ता उसी से रहता है जो उसके साथ काम में संलग्न है। और वो अभी राह पे थी कि बहुत बेहतर काम कर रही थी, मुझे जहां तक जानकारी है कि उसके पास फिल्में भी आई थिंक बहुत थी, फिल्म कर ही रही थी, एल्बम कर ही रही थी। निजी जिंदगी में किसी के क्या सुख है क्या दुख है ये तो बहुत ज्यादा नहीं जान पाता है कोई दूसरा आदमी। एक हम लोग कलाकार हैं तो उस नाते जब सेट में मिलते हैं तो हमें एक दूसरे से जब बात करने का थोड़ा अवसर मिलता है तो उस समय पता चलता है कि क्या और सही है एक्चुअली क्या आप सही लोग जा रहा है। कलाकार भी हैं, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप लोग अपनी अंदरूनी जो भावनाएं हैं वो नहीं उतारते हैं एक दूसरे के सामने, ऐसा भी होता होगा सर? पता नहीं, मैं अगर मेरे बारे में बोलूं तो मैं बहुत ही पॉजिटिव आदमी हूँ, मेरे अंदर कोई नेगेटिविटी आती भी नहीं है और नेगेटिविटी से दूर भी हो जाता हूँ बहुत जल्दी। जो अगर मेरे सराउंडिंगली कोई नेगेटिव वाइब्स आ जाते हैं तो वहां से मैं खुद ही हट जाता हूँ, या मेरे सामने से नेगेटिविटी हट जाती है अपने आप। मेरे अंदर आज के डेट में केवल सार्थकता है, बहुत पॉजिटिव सोचता हूँ, पॉजिटिव करने की कोशिश करता हूँ और ईश्वर पॉजिटिव रिजल्ट भी दे देते हैं। तो ये सब चीज आत्महत्या या किसी की हत्या या किसी का टांग खींचना या किसी को धक्का देना, ये सब तभी थॉट्स आते हैं जब आपके अंदर कुछ नकारात्मकता सर लेकिन पहले से। लेकिन सर आप इतने सीनियर हैं, इतनी आपने फिल्में करी हैं, और आई थिंक कई फिल्मों में आपने आत्महत्या और सुसाइड जैसे दृश्य भी देखे होंगे और शायद निभाए भी होंगे। सर मैं बस आपसे एक चंद शब्दों में यही पूछना चाहता हूँ सर, क्या वाकई में हमारा शरीर इतना ज्यादा मजबूर हो जाता है कि हमें सुसाइड करने की आवश्यकता हो जाती है, मतलब जान ही देना है? देखिए लोग बोलते हैं कि सुसाइड करना कायरता है, मुझे लगता है इससे बड़ी मजबूती हो ही नहीं सकती कोई, कि आदमी इतनी मजबूती से सोचा होगा। लेकिन क्या होता है ना, क्रोध और इमोशन पे किसी का वश चलता नहीं है, एक झटका ऐसा आता है उस समय शायद इस तरह का निर्णय लेते होंगे। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जितना एनर्जी जितना अफर्ट जितनी ताकत लगानी पड़ती है किसी को आत्महत्या करने में, जो अमूमन एक समझ में आती है देखने के बाद जब कोई मर जाता है उसके बाद की कितनी मशक्कत कितनी मेहनत कितनी कोशिश की होगी वो, या कोई भी जो आत्महत्या करते हैं, तो मैं तो यही बोलूंगा तमाम उन लोगों से कि जो इतनी कोशिश इस इन्होंने कृत्य में जो ईश्वर ने जो जीवन दिया है उसको समाप्त करने में लगाते हैं, उससे बहुत कम मेहनत करके उससे बहुत कम कोशिश करके ईश्वर के दिए हुए इस जीवन को सार्थक बना सकते हैं। तो मैं सबसे जिसके मन में भी निगेटिव थॉट्स आ रहे हो या आने वाले हो, या होता है अमूमन हम जीवन में कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव कभी अच्छे कभी बुरे हर पल देखते हैं, तो अगर जहां किसी के मन में इस तरह की नकारात्मकता वाली बात आए, जो अफर्ट लगाना उधर है उससे बहुत कम अफर्ट लगा करके आप अपने आप को सार्थक बना सकते हैं और अपने आप को दुनिया में इस जीवन को सार्थक बना सकते हैं आप जो ईश्वर ने बिल्कुल दिया है जीवन। ये कायरता नहीं है, ये बहुत मशक्कत के बाद कोई आदमी इस मोड़ पर पहुंचता है। तो ये मशक्कत क्यों उधर करने का, उससे बहुत कम मशक्कत में अपने जिंदगी को बेहतर तरीके से जी सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और आ, आ, दोस्तों आप सुन रहे हैं इस समय इंडस्ट्री के बहुत ही चर्चित अभिनेता अवधेश मिश्रा सर को, और दोस्तों मैं आपको ये बताऊं कि ये कोई इंटरव्यू नहीं है, दुख का माहौल है, और अवधेश सर जो है इस समय काफी दुखी हैं क्योंकि उन्होंने हाल ही में आकांक्षा के साथ काम करा है। तो मैं अवधेश मिश्रा सर का इंटरव्यू फिर से करूंगा और इनके बारे में बहुत सारी आपको बातें बताऊंगा नेक्स्ट में। सर क्या मैं सही कह रहा हूँ सर क्या कि सर अब समापन करते हैं? सर मुझे भी ऐसा लग रहा है कि समापन करते, चूंकि इस बात को अभी न मेरी मन स्थिति है कि मैं इस तरह की बातें कर पाऊं। यस दुखी सर हूं, बहुत दुखी हूं, क्रोधित भी हूं कि ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल चूंकि हम सर इस इंडस्ट्री के एक हिस्सा हैं छोटा सा, तो मुझे इस बात की तकलीफ है। अमूमन जो मैं जिसको जानू भी नहीं, कोई अगर सुसाइड करता तो उससे मुझे पता नहीं क्यों बहुत क्रोधित हो जाता हूं कि सुसाइड क्यों, सुसाइड नहीं ना। ये मुझे लगता है कि
मैं क्या बोलूं, मैं शब्द मेरे पास नहीं आ रहा है, भाव दूसरा हो रहा है मेरा, नहीं सुसाइड नहीं, आई नो सर, बहुत प्यारी जिंदगी है ये, एक एक जीवन दिया है ईश्वर ने, इसमें कितनी जिंदगियां जीनी पड़ती हैं, सब जिंदगी को जियो, लेकिन इस जीवन को सार्थक करो, मर करके माँ बाप ने पैदा किया उस माँ बाप पे क्या बीतेगी, जो लोग तुमसे जुड़े होंगे उस पे क्या बीतेगी, जो ईश्वर तुम्हारी रचना किए हैं उस ईश्वर को कितनी तकलीफ होगी, जीवन देने का भी काम ईश्वर का है, जीवन लेने का भी काम ईश्वर का है, लेकिन हम अपने आप को इस रूप इसका माध्यम क्यों बना है, नहीं बनना है, जब तक जिंदा है तब तक जी है, और जीना है तो बखूबी बहुत पॉजिटिविटी के साथ बहुत सार्थकता के साथ जिए, अच्छे बुरे दिन होते हैं, ऊंच नीच होता है जीवन में, सुख दुख आते हैं, लेकिन इन सबसे लड़ो ना, क्यों खुद से इतनी लड़ाई करके हैंग हो जाना, नहीं वो सुशांत हो या कोई भी हो, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये बहुत ही बेहतरीन, एक सजीव सजीव जीवन एक निर्जीव पंखे के हवाले कर दिया, जिसमें जीवन ही नहीं है, फंदा डाल दिया, इतना इतना बड़ा क्षति हुआ, इतना मतलब क्या बताएं सर, अभी समझ ही नहीं आ रहा है कि कौन से शब्द में, और वो बहुत बोल्ड बहुत बहुत कॉन्फिडेंट लड़की थी, मेरे को ईश्वर कसम, बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल यकीन से परे है ये चीजें। खैर सर कोई बात नहीं, फिलहाल तो मैं यही कहूंगा ईश्वर उसकी आत्मा को शांति दे, ईश्वर सुकून दे उसकी रूह को, लेकिन नहीं मैं इसके इस भाई जो भी हमारी बातें सुन रहे हो, अगर किसी के मन में कहीं से भी ये विचार रहित भी आए ना, तो प्लीज 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 इस विचार को अपने अंदर संग्रहित करके सार्थक रास्ते पर चलिए, देखिए कितनी अच्छी जिंदगी आपको नजर आने लगती है और कितनी अच्छी उपलब्धियां आपको मिलती हैं। ये विचार तक आना इसे क्राइम है, ये विचार भी किसी के मन में आ जाता क्राइम है ना, बाप रे बाप, नहीं। खैर अभी हम बातों को विराम देते हैं, संवेदनाएं हैं आकांक्षा के प्रति, ईश्वर उसकी आत्मा को शांति दे, मगर ये गलत अब नहीं, अब इस इंडस्ट्री में कई हो गई, रीजंस क्या है आई डोंट नो, मैं नहीं जानता क्या रीजन होंगे उसके, क्या उस पर बीत रही होगी, क्या हुआ होगा, ईश्वर जाने उसकी आत्मा जाने, लेकिन कुछ भी बीते अब बस, छोटी सी प्यारी सी इंडस्ट्री है अब बस, बिल्कुल ना कोई किसी को इस मोड़ पे पहुंचा है और ना कोई उस मोड़ पे पहुंच करके ये निर्णय ले, लोगों के वश में होता है किसी को किसी मकाम पे पहुंचा देना, लेकिन उस मकाम पे चलो पटक भी दिया उस कतलखाने में, लेकिन वहां से भी अपने आप को ला सकते हैं वापिस आप, मनुष्य के वश में सब चीज है, जो वश में है उस उसको आप हासिल करो ना, बेवस होकर के अपने आप को ही बर्बाद मत कर दो भाई, सही कह रहे हैं। खैर पता नहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोल पा रहा हूँ नहीं बोल पा रहा हूँ, मैं ये एक ऐसा विषय है नहीं सर, एक्चुअली मैं खुद भी और हमारे साथ इंडस्ट्री के काफी लोग जो आपके साथ काम करते हैं सर, सब शौक है सर, सब शौक है सर, मतलब क्या ही बोला जाएगा और क्या होगा सर। फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि सर थैंक यू वेरी मच सर कि आपने मुझे इतना समय दिया, एंड थैंक यू वेरी मच सर कि आपने आकांक्षा, ये हमारी इंडस्ट्री की बात है, कोई भी समय देंगे चर्चा, ये होनी चाहिए चर्चा, मैं निश्चित चाहता हूँ कि आप ये सब इस बात पर चर्चा करें, पूरी इंडस्ट्री मिलकर के इस बात पर चर्चा करें, ये सुसाइड कोई ये कोई क्यों किसी को इस मुकाम पे पहुंचा दे, या कोई क्यों उस मुकाम पे पहुंच करके अपने आप को बिल्कुल समाप्त कर दे, चलो चार लोगों के वश में है कि चार लोग दुष्टता से किसी को कहीं पहुंचा सकते हैं, लेकिन चलो वहां पहुंचा दो, पटक दो, हमें भी कई बार पटका गया कई जगहों पर भाई साहब, जो मैं जानता हूं मेरी आत्मा जानती है, चंद लोग भी जानते हैं, लेकिन क्या है वहां से हम कम बैक नहीं हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, हर हर जिंदगी में अमिताभ बच्चन हो या मोदी साहब हो, सबकी जिंदगी में वो गुरु पल आते हैं जी, जो है 400-500 करोड़ रुपए के घोटाले सॉरी लॉस में गए थे वो, अचानक से फिर उन्होंने टीवी से कम बैक किया, कौन बनेगा करोड़पति ने फिर एक बार लेजेंड बना दिया उनको सर, वो गाना भी है ना पुराना कि जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम, चलो ना, आपसे बातें करने के बाद जीने का मन करता है सर मेरा,
जीने जीना ही चाहिए सर, इससे जिंदगी से खूबसूरत कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सर, कुछ भी नहीं है, जीवन तो है ही वैसे भी मौत की अमानत, लेकिन मौत की अमानत इतने झटके से क्यों देते हैं? जब हमें हम मौत की अमानत है तो उसको झीलो ना सर। हाँ, वो खुद ही आएगा लेने, हम क्यों वहाँ पे जाए देने। सर बड़ा अच्छा लगा आपसे बात के, मतलब बहुत अच्छा लगा सर, जीने का नाम है जिंदगी सर। धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच, बाय सर, बाय सर।